मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आज गोवा पुलिस हिसार पहुंचेगी। गोवा पुलिस सोनाली की हर एक प्रॉपर्टी को देख रही है और उसके बारे में जानकारी जुटा रही है। संतनगर के जिस घर को आज गोवा पुलिस देखने पहुंचेगी, वहां कोई नहीं रहता। सुबह 9 बजे के करीब गोवा पुलिस की जांच टीम हिसार पहुंचेगी। तो सोनाली फोगाट केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सोनाली फोगाट का परिवार गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। बुधवार को सोनाली फोगाट केस की जांच के लिए गोवा पुलिस सोनाली के फार्म हाउस पर उनकी बेटी के साथ पहुंची थी और बेटी के सामने फार्म हाउस को खुलवाया गया। इस दौरान परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए। भाई रिंकू ढाका ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, उन्हें गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, वो सीबीआई जांच की मांग करेंगे। सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री की जांच करने के लिए गोवा पुलिस आज उनके घर पहुंची थी। उनके भाई रिंकू इस वक्त हमारे साथ हैं। रिंकू ढाका जी, आज गोवा पुलिस आपके घर आई थी, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की गई उनके द्वारा? लगे हुए हैं अभी तो, कोई इन्वेस्टिगेशन पूरी तो हुई नहीं इनकी, इनके साथ में ही है सुबह से। अच्छा, घर में कितने लोगों से आज बयान दर्ज किए गए? माता जी के बयान हैं वो लिए गए हैं, एक मेरे जीजा जी हैं अमन पुनिया, उनके बयान लिए गए हैं, भाई है वतन ढाका उनके बयान हैं। अच्छा, मेरे बयान अभी अधूरे हैं, अभी साइन हुए नहीं उन पर। आपके बयान अधूरे कैसे, क्या स्टेटमेंट आपका पूरा नहीं हुआ? ये बीच में फिर यहाँ आ गए सदर थाना में, इनको कोई काम था। एक तरफ गोवा पुलिस आपके घर के अंदर आपकी माता जी का बयान ले रही थी और दूसरी तरफ खाप के लोग घर के बाहर पोस्टर और नारेबाजी कर रहे थे कि गोवा पुलिस मुर्दाबाद, सीबीआई जांच की मांग करें, क्या कहेंगे इसके लिए? ये तो जी, अब अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो इसमें खापे एंट्री करना शुरू करेंगी, क्योंकि इंसाफ चाहिए जी इस चीज़ का। तो सोनाली फोगाट के जीजा ने हत्या में आरोपी सुधीर सांगवान पर बड़े आरोप लगाए। जीजा अमन पुरिया का आरोप है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली के 18 एकड़ के फार्म हाउस के फर्जी दस्तावेज बनाए ताकि उसे अपने नाम पर कराया जा सके, इसीलिए इस प्रॉपर्टी की जानकारी परिवार के किसी भी सदस्य के पास नहीं थी। सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा और न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त सोनाली फोगाट के जीजा जी अमन पुनिया हैं, जो बताएंगे कि आखिर ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी का राज है जो अब तक सामने नहीं आया। पुनिया जी, ये बताइए कि क्या आप कहना चाहते हैं और किस तरह का आप लोगों का आरोप है कि प्रॉपर्टी को कब्जाने के लिए सुधीर ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया? हम कल हिसार कोर्ट में गए थे, वहाँ से वकील के पास हमने कागज कलेक्ट किए और उस कागज को हमने फिर रीड किया तो उसमें लिख रखा था 20 साल के लिए ये प्रॉपर्टी लीज पे सुधीर सांगवान अपने नाम करा रहा था, सालाना पर 60,000 रुपये के ऊपर। अच्छा, ये प्रॉपर्टी कितनी है और कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आप? ये सोनाली जी की हिसार फार्म हाउस है डंडूर गांव के अंदर, 6 एकड़ की बात कर रहा हूँ।